नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट शिक्षा मनोविज्ञान के मॉडल पेपर को लेकर। दोस्तों, ये रीट शिक्षा मनोविज्ञान का 11वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 10 टेस्ट में ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बिल्कुल उनको देखिएगा। आई बटन पर आपको उनका लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस टेस्ट में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट परीक्षा के जैसे हैं। अगर आप इसमें 20 से ऊपर सही करते हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब व कहाँ स्थापित की गई? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 लिपजिंग, 1884 जर्मनी, 1879 अमेरिका और 1887 रूस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, 1879 लिपजिंग। दोस्तों, जर्मनी के लिपजिंग शहर में 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर दो, सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन का सबसे बड़ा अंश कौन सा है? चेतन, अचेतन, अवचेतन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अचेतन। दोस्तों, जो मन का सबसे बड़ा भाग होता है वो अचेतन मन होता है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना और विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर चार, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने, केटल ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर चार, केटल ने। केटल ने बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। आपसे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक और शेयर चाहिए। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही नहीं है? बुद्धि स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है, बुद्धि व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, बुद्धि सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, बुद्धि स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, ये जो है बुद्धि के बारे में सही नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर छः, आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है उभयमुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, सामाजिक निर्भर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, अंतर्मुखी। दोस्तों, जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी होता है, अपने बारे में सोचता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर सात, व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्ण समायोजन का निर्धारण करता है, व्यक्तित्व की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? एरिक्सन, गिलफोर्ड, वुडवर्थ, आलपोर्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, आलपोर्ट। आलपोर्ट ने ही परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्ण समायोजन का निर्धारण करता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आठ, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका होती है। दोस्तों, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है लेकिन आपके रिविजन हो जाएगा। नामात्र की महत्वपूर्ण अपूर्वानुमय आकर्षक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, महत्वपूर्ण। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर नौ, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों अथवा अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है। दोस्तों, दमन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण, तादात्मिकरण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, तादात्मिकरण। दूसरे के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, उसके गुणों अवगुणों का अनुकरण करना तादात्मिकरण कहलाता है, उसी के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? स्किनर, हरलोक, पियाजे, कोलेसनिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, स्किनर। स्किनर के अनुसार जो विकास है एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के
क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, गामक, शारीरिक, नैतिक, संज्ञानात्मक, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, नैतिक। कोहलबर्ग नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, वंशानुक्रम, उपरोक्त सभी, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। मानसिक विकास को ये सभी तीनों ही कारक प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। और विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, यह सत्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। व्यापक एवं विधि अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता। नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें सब स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, ये वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, वैयक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा दी शिक्षा पद्धति, विनेटिका पद्धति, खेल पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, डाल्टन पद्धति, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, डाल्टन पद्धति। वैयक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए डाल्टन पद्धति दी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्न में से किस कारण से कठिन है। निरीक्षण प्रक्रिया बहुत कठिन है। निरीक्षण एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। बालकों की पहचान कोई विशेषज्ञ कर सकता है। निरीक्षण द्वारा भावनात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली की पहचान अध्यापकों द्वारा नहीं हो सकती। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, निरीक्षण द्वारा भावनात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली की पहचान अध्यापकों द्वारा नहीं हो सकती। विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, सृजनशील बालक का विशेष लक्षण है। सृजनशील बालक का विशेष लक्षण है गतिशील चिंतन का अभाव, प्रबल जिज्ञासा, समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना और समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, प्रबल जिज्ञासा जो है सृजनशील बालक का विशेष लक्षण है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। गृह कार्य पूर्ण करना, कक्षा में एकदम खामोशी, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना जो है अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, अधिगम तक पहुंचने के राजमार्गों को कहते हैं, उद्दीपन, प्रवाहित, संवेदना, अभिप्रेरणा, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, अभिप्रेरणा जो है अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को अभिप्रेरणा कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभवों को कहा जाता है, सामाजिक अधिगम, प्रायोगिक अधिगम, अनुबंधन, आकस्मिक अधिगम, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों ये प्रश्न भी थोड़ा रिपीट हो चुका है तो यहाँ पर आपका रिविजन हो जाएगा, विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही होगा, सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है तेज, धीमी, सामान्य, सबसे कम, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, तेज। सीखने की जो प्रथम अवस्था होती है उसमें सीखने की गति थोड़ी तीव्र होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, एलेक्सिया है, लिखने की अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, शारीरिक अक्षमता, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, सीखने की अक्षमता, एलेक्सिया जो है सीखने की अक्षमता से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है, गुणात्मक, निदानात्मक, परिमाणात्मक, उपरोक्त सभी, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौबीस है, अधिगम निर्योग्यता वाले विद्यार्थी शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है।
बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके, इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरी पर ध्यान केंद्रित करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। विकल्प नंबर बी यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को करना चाहिए चर्चा करना, कहानी सुनाना, प्रश्न पूछना, शाम पट का प्रयोग करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, प्रश्न पूछना यहाँ पर सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होगा 30-40, 45-50। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, 40। यहाँ पर अगर 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात जो है 40 होना चाहिए, यानी कि एक अध्यापक पर 40 विद्यार्थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, रटंत प्रणाली को महत्व न देना, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना जो है 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, ग्रेडिंग प्रदान करना, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का संबंध है स्किनर से, थांडाइक से, पावलोव से, कोहलर से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, थांडाइक से। सीखने का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है थांडाइक से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। 0 से 2 वर्ष, 0 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, 11 से 15 वर्ष जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। तो विकल्प नंबर डी यहां पर सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।